भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने हिंदी फिल्मों के लिए पहली बार गाना गाकर एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म स्त्री 2 के लिए गाना आई नहीं गाया है, जो रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा है। यह गाना YouTube पर म्यूजिक सेक्शन में नंबर 6 पर ना सिर्फ ट्रेंड कर रहा है, बल्कि 24 घंटे से भी कम समय में 1.5 मिलियन व्यूज के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। इस गाने के जरिए एक बार फिर से पवन सिंह ने झंडा गाड़ दिया है। सारेगामा म्यूजिक से रिलीज इस गाने को पवन सिंह के साथ सिमरन चौधरी, दिव्या कुमार और सचिन जिगर ने भी अपनी आवाज दी है। लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य का है और म्यूजिक कंपोजर सचिन जिगर हैं। गाने के कोरियोग्राफर जानी मास्टर हैं। फिल्म स्त्री 2 के निर्माता दिनेश विजयन व ज्योति देश पांडे और निर्देशक अमर कौशिक ने पवन सिंह के इस गाने की खूब तारीफ की है और इसे फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। वहीं पवन सिंह के फैंस भी उनके इस नए सफर से काफ़ी खुश हैं और उन्हें आगे भी बॉलीवुड में देखने की उम्मीद कर रहे हैं। पवन सिंह का यह गाना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह उनकी प्रतिभा और मेहनत का सबूत भी है। बॉलीवुड में उनकी यह नई शुरुआत उनके फैंस और पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक खुशी की खबर है। आपको बता दें कि इससे पहले पवन सिंह ने भोजपुरी में एक से बढ़कर एक गाने गाए और कई अनब्रेकेबल रिकॉर्ड भी बनाए। उनका कमरिया गाना भोजपुरी जगत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय गाना हुआ। इसके अलावा वे बॉलीवुड के लिए पायल देव, मुदस्सर खान, लॉरेन गुडविल के साथ कमरिया हिला रही, शलीम सुलेमान, त्रिधा चौधरी के साथ भी बॉलीवुड में अपनी दस्तक दी थी। इसके बाद पायल देव के कोलैबोरेशन में पवन सिंह ने उनका ही सुपरहिट गाना बारिश बन जाना को भोजपुरी में डब किया था, जो सुपरस्टार हिना खान और शाहिद शेख पर फिल्माया गया था। इसके अलावा इमरान हाशमी और युक्ति पर फिल्माए गए मनोज मुंतशिर और तनिष्क बागची का गाना लुट गए के भोजपुरी वर्जन को भी पवन सिंह ने अपनी आवाज़ देकर सबका दिल जीत लिया था। और अब हुए सुपरहिट फिल्म स्त्री के सीक्वल स्त्री 2 के लिए यह गाना लेकर आए हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ खूब हो रही है। यह गाना पवन सिंह के करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पवन सिंह ने इस मौके को भी खूब भुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, 24/7 लाइव टीवी।